मेरा नाम मिधान सोनी है, मैं सिरसा हरियाणा का नागरिक हूँ। तो ब्रेल जो है उसे सर लुई ब्रेल ने डेवलप किया था। वो एक फ्रांस के जाने माने इंसान थे। जब वो 3 साल की उम्र में थे तो घोड़े की जो बैक साइड पे लगाते हैं हम लोग, उनसे वो धारदार जो चीज़ होती है वो उनकी आइज़ पे लग गई थी और वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए थे। तो ना उस टाइम क्या होता था, उस टाइम लाइक 12 डॉट्स की ब्रेल होती थी, मतलब वो ब्रेल भी नहीं कह सकते, एक स्क्रिप्ट होती थी, लेकिन वो होती थी आर्मी के लाइक ऑफिशियल्स के बीच में। तो वो समझनी भी बहुत डिफ़िकल्ट थी और वो चैलेंजिंग भी थी। तो लुई ब्रेल ने 6 डॉट सिस्टम लाया और पहली बार इंग्लिश ब्रेल को लाइक डेवलप किया। तो धीरे धीरे ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये पूरे यूरोप, अमेरिका, हर जगह फैल गई। आप जो है कोर्ट का दरवाजा लगाया आपने ब्रेल को पूरे देश में लागू करने के लिए हर प्रोडक्ट पे, अगर वो लागू होगा तो क्या ये एक ऐतिहासिक कदम होगा? हाँ, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप होगा, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया काफ़ी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं हमारे देश में जो लाइक मतलब इतनी डेवलप नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये हमारे कंट्री के लिए एक बिग स्टेप होगा और ये हमारी कंट्री की जितनी ब्लाइंड पॉपुलेशन है उनके लिए एक बिग स्टेप होगा। प्लस इसमें एम्प्लॉयमेंट की, जैसे मेरी मम्मा ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म आएगा पूरे देश में। थैंक यू। मेरा नाम रमता सोनी है और ये मेरा बेटा है मिधान सोनी, वो मेरी बेटी है मिशिता सोनी। मेरा जो बेटा है वो 14 साल का है और वो विजुअली चैलेंज्ड है। मिधांश जो है वो शुरू से पढ़ाई है, वो मेन स्ट्रीम, मैंने इसको जो है स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरा शुरू से ही मोटिव ये था कि मैं इसको जो है नॉर्मल बच्चों मेन स्ट्रीम में ही इसको पढ़ाऊं। तो हुआ ये था कि अभी कुछ 2019 या 18 की बात होगी, तो हम लोग जैसे यूजली जो ग्रोसरीज वगैरह ख़रीदते हैं, तो मैं ग्रोसरी वगैरह लेके और घर पर आई थी, तो मिधांश उसको ग्रोसरीज को टच कर रहा था और बार बार मुझसे ये पूछ रहा था कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रोसरीज के ऊपर कहीं भी एम्बोज्ड नहीं है किसी तरीके का, कि जो कि एक ब्लाइंड पर्सन जो है उसको पढ़ के और पहचान पाए कि वो क्या चीज़ है। तो मुझे बाद में ये भी लगा कि उसके ऊपर तो एक्सपायरी भी होती है, मेडिसिंस भी एक बहुत बड़ा है कि मेडिसिंस को अगर कोई ब्लाइंड पर्सन लेने जाता है तो उसको कोई भी पागल बना सकता है, उसको एक्सपायरी डेट वाली दे सकता है या कोई भी सॉल्ट, अदर सॉल्ट की मेडिसिन दे सकता है। तो उस वक्त फिर हमें जो है ये मन में आया कि क्यों ना जो है इसके लिए एक रिट फाइल की जाए, एक PIL लगाई जाए। तो उसके लिए फिर हम लोग, मैंने सबसे पहले उसको रिसर्च किया कि अदर कंट्रीज़ में इसके ऊपर कैसा काम हो रहा है इसके अंदर। तो जब थोड़ा बहुत जब सर्च हुआ तो उसके अंदर ये मैंने देखा कि जो जापान में है, ये कैन आप देख रहे होंगे, इन्होंने कैन जो है कोल्ड ड्रिंक का उसके ऊपर एक ब्रेल एम्बोज किया ताकि एक ब्लाइंड पर्सन ये पहचान पाए कि इस जो कैन के ऊपर ये बियर का कैन है कि ये कोल्ड ड्रिंक का कैन है, ताकि कोई ब्लाइंड पर्सन उसको परचेज करने जाए तो उसको फ़र्क महसूस हो जाए। तो और भी जब हमने डाटा उठाया तो मुझे पता लगा कि इसमें USB जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर मेरी मुलाकात जो है निशांत कुमार जी से हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड्स हैं। तो जब मैंने उनको इस तरह से बताया तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन किए कि मैम ये कैसे है पॉसिबल। तब मैं IIT जो दिल्ली है उधर हमने देखा कि जो IIT बहुत अच्छा काम कर रहा था ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो एम्बोज्ड बुक्स बना रहा था, तो उसका जो मटेरियल था पेपर का वो वैसा ही मटेरियल था जो कि हमारे यहाँ मैगी का प्रोडक्ट होता है, मैगी का जो पेपर होता है उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का था। तो मुझे, हमें लगा कि जब एक प्लास्टिक के ऊपर इतनी अच्छी एम्बोज हो सकती है तो क्यों ना जो हमारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं उसके ऊपर एम्बोज किया जाए। तब मैंने निशान जी को काफ़ी चीज़ें दिखाई, तो निशान जी को काफ़ी इसमें अच्छा लगा कि उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया। और सबसे अच्छी बात ये देखिए कि उन्होंने इतने बड़े नोबल कोर्स के लिए मुझसे 1 रुपया भी फीस जो है चार्ज नहीं की, उन्होंने सारा जो टोटली पूरा केस जो उन्होंने तैयार किया है, उन्होंने इतनी मेहनत की इसके पीछे, सब टोटली उन्होंने एक नोबल कोर्स के लिए किया है। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड में जो था वो केस नहीं, आगे नहीं चल पाया,
या फिर ये कह लीजिए कि जब किसी चीज़ का वक्त आता है वो तभी चीज़ें पूरी होती हैं। फिर 2024 में जनवरी में फिर हम लोगों ने जो है इसके ऊपर दोबारा वर्क किया, तब निशान जी ने दोबारा इसके ऊपर जो है सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद फिर 9 अगस्त को जो है इस केस को दोबारा से PIL जो है वो लगाई गई और 14 अगस्त को ये रजिस्टर हुआ और 27 अगस्त को अभी 2 दिन पहले ही जो है इसकी हियरिंग थी, फर्स्ट हियरिंग। तो वहाँ पे मैं गई हुई थी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और जो CGI जो है उन्होंने जो है आगे जो हमारे लॉयर हैं उनको जो है ऑर्डर्स दिए हैं इस चीज़ के लिए कि 4 हफ्तों का टाइम है और वो आगे जो है उनको नोटिस भेजें सेंट्रल गवर्नमेंट को और इसके ऊपर जो है उनसे डिटेल्स वगैरह लें। 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया, तो देखते हैं 1 अक्टूबर की दोबारा उसकी सुनवाई है, तो देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर। कितने लोग जो है वो दृष्टिबाधित है, कोई आंकड़ा है कोई ऐसा? 0.36% जो हमारी ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन है उसमें से, मैं बिल्कुल मतलब श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती बट यस 0.36% हमारे ब्लाइंड पर्संस हैं। जो ब्लाइंड जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हैं आप जैसे कह रहे हो कि उसके ऊपर डिले भी हो, तो वो उसकी क्षमता को आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास आया था पहले भी जब हम और निशान जी डिस्कशन कर रहे थे, बट देखिए हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसके अंदर काफ़ी लोग अनपढ़ हैं, तो सिर्फ जो लोग पढ़ नहीं पाते हम उसके लिए ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी एजुकेशन को सिस्टम को चेंज कर देंगे या फिर जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम लिखना बंद कर देंगे, बिल्कुल प्लेन पेपर के ऊपर जो है वो कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि अगर हम ब्रेल को लेकर आएंगे जब उसके अंदर पेपर के ऊपर तो लोगों के अंदर एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, तो हो सकता है कि ब्लाइंड पर्सन जो है ब्रेल को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, सिर्फ इस चक्कर में वो पढ़ना शुरू कर देंगे कि हमारे लिए कुछ हुआ है ना। और दूसरी बात जो है, अब आप ये देखिए कि जब ब्रेल को एम्बोज करना पड़ेगा मार्केट के प्रोडक्ट के ऊपर तो ब्लाइंड बच्चों को कितना काम मिलेगा, एम्पावरमेंट जो है ब्लाइंड बच्चों को होगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आने वाले कुछ टाइम तक ब्रेल एक तरह से विलुप्त सी होती जा रही है। इंडिया में क्या कल्चर बन गया है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ब्लाइंड बच्चों के लिए कि ब्रेल की जैसे मशीनरीज होती थी पहले बड़ी बड़ी, ब्रेल की बुक्स प्रिंट आउट होती थी, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें एक उसका साइड इफेक्ट ये होने लगा कि ब्रेल की बुक्स को ज़्यादा देर तक जो है उसमें एम्बोज जो होते हैं ना वो दब जाते हैं, तो वो उसका जो मटेरियल होता है वो पहले पेपर अपना जो नॉर्मल पेपर A4 की शीट पे आती थी, बट फिर IIT ने इसको दोबारा किया कि अगर इसका एम्बोज इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने उसको प्लास्टिक के पेपर पर एम्बोज किया। तो इससे ये देखिए ना कि भी कितने ब्लाइंड बच्चों को दोबारा से रोजगार भी मिल सकता है इसके थ्रू। नुकसान क्या हो सकता है मैम अगर ये नहीं होता है, कोई ब्लाइंड बच्चा जैसे तो उसको क्या नुकसान हो सकता है अगर ना हो? देखिए इससे नुकसान ये है कि जो हम अपने बच्चों को जो हमारे अभी जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब हम देख रहे हैं कि कितने आगे जो हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कोई जज बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, आज मेधांश है वो पढ़ रहा है। अगर मैं उसको एक तरफ तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ लिखा रही हूँ ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ वो मान लीजिए बड़ा हो के अगर कहीं भी मार्केटिंग के लिए जाता है या कुछ भी परचेज करने जाता है, अगर अपना पर्सनल हाइजीन का सामान भी खरीदने जाता है, तो वो क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे? क्यों ना उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो ब्रेल, कितनी छोटी सी चीज़ है, सिर्फ एक एम्बोज ही करवाना है, ब्रेल के जो अक्षर होते हैं गिनती इतना सिर्फ, मैं आप मानेंगे हम पूरा उसको प्रोडक्ट को भर देते हैं इंग्लिश से, सिर्फ इतना एरिया जो होता है ना वो ब्रेल लेता है, इतना सा एरिया मैं कहती हूँ। तो